नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में जिसे हिंदी में काली मृदा कहते हैं काली मृदा प्रायद्वीपीय पठार पर लाल मृदा के बाद सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है जिसका विस्तार दक्कन लावा पठार के क्षेत्र में है और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बेसाल्ट की चट्टानों के अपच्छ यानी उनके टूटने फूटने से हुई है अगर इस मृदा के विस्तार की बात की जाए तो महाराष्ट्र के पठार काठियावाड़ पठार मालवा पठार तेलंगाना पठार कर्नाटक में मैसूर बेंगलुरु उच्चभूमि तमिलनाडु में कोयम्बटूर मदुरई उच्चभूमि के क्षेत्र में है और लावा पठार से बाहर या राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है कुछ लोग हमारे देश में पाई जाने वाली काली मृदा को दुनिया की सबसे उपजाऊ मृदा चरणोजम से कंपेयर करते हैं क्योंकि चरणोजम मृदा का रंग भी काला होता है लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि चरणोजम मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है जबकि हमारे देश में पाई जाने वाली काली मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है लेकिन इसमें और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम पोटास मैग्नीशियम फॉस्फोरस तथा कार्बोनेट और इसमें जल को धारण करने और उसे अपने में संचित रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है इसके कारण यह मृदा कृषि फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और कपास की कृषि के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त है इसी कारण इसे कपास मृदा भी कहते हैं और इसे महाराष्ट्र में रेगुर या रेगड़ मृदा कहते हैं इस मृदा की मुख्य विशेषता यह है कि इसे सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं इसलिए आपने कई फोटोज में देखा होगा कि भारतीय किसानों को इन दरारों वाले खेतों में बैठे हुए दिखाया जाता है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण इस क्षेत्र में कपास की कृषि सर्वाधिक की जाती है इसलिए हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है इसीलिए मुंबई और अहमदाबाद जैसे क्षेत्रों में सूती वस्त्रों की उद्योगों की संख्या बहुत अधिक है कपास के अलावा इस मृदा में चावल गेहूँ गन्ना ज्वार तथा दलहन और तिलहन की कृषि भी की जाती है तो यह थी काली मृदा की विशेषताएँ धन्यवाद उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी